तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन थोड़ी सी लाइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कंबशन। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कंबशन। कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, कंबशन का मतलब है बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो कार्बन अपनी सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में, एलोट्रॉपिक जो कि आपको लास्ट टाइम पढ़ा रखी है मैंने, जो है ऑक्सीजन में बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हीट देता है, लाइट देता है। ठीक है, सो कार्बन इन ऑल इट्स, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक forms burns in oxygen to give CO2 carbon dioxide along with the release of heat and light, और साथ में आपको हीट और लाइट भी देगा। और हम कुछ रिएक्शंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बर्निंग ऑफ कोल देखते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल कोल कह सकता है, कई कई कोई बार कह देते हैं चारकोल भी कह देते हैं। तो आपको पता है कि कोल जो है कार्बन का 99% पार्ट है ना। तो ये रहा हमारा कोल, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ठीक है, तो हमें देगा बेटा CO2 प्लस हीट एंड लाइट। और कोयला जो है ना वो रेड ग्लो करता है, रेड ग्लो। कभी भी आपने कोयला देखा होगा ना, रेड कलर का ग्लो करता है। ठीक है, कोयला देखा होगा आप लोगों ने, भुट्टा भूनने वाले के पास जो कोयला होता है देखा है ना, कभी भी उसमें से लपटें नहीं निकलती। ठीक है, फ्लेम नहीं निकलती है उसमें से सिर्फ रेड कलर आता है, सिर्फ ग्लो, रेड ग्लो करता है, कोई भी हीट नहीं निकलती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना रेड ग्लो विद नो फ्लेम, रेड ग्लो विद नो फ्लेम, विद नो फ्लेम, कोई फ्लेम नहीं होगी। ठीक है, देयर विल बी नो फ्लेम। फ्लेम समझते हो जैसे तुम्हारी गैस बर्नर से निकलती है, मोमबत्ती से निकलती है। ठीक है, वैसी कोई फ्लेम नहीं होगी, रेड कलर का ग्लो करता है। चलो अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं बर्निंग ऑफ मीथेन। अब हम मीथेन को बर्न करेंगे, यानी CH4 को बर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मीथेन यानी CH4 को बर्न करने का रिएक्शन। तो देखिए भैया, जब भी आप CH4 को यानी मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अब यहाँ पे देखो CO2 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस H2O और मिलता है, साथ में हीट और लाइट भी मिलता है। ठीक,
तो अब देखो फिर कभी कभी आपने डिओड्रेंट्स में आग लगाई होगी, अल्कोहल के में आग लगाने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो अभी बर्निंग ऑफ इथेनॉल की बात भी कर लेते हैं, बर्निंग ऑफ अल्कोहल। क्या अल्कोहल बर्न करता है, यानी इथेनॉल? फिलहाल हम इथेनॉल की बात करेंगे, क्योंकि जो पीने लायक कंजप्शन के लायक जो अल्कोहल होती है वो इथेनॉल होती है, ठीक है। तो अब उसका भी बर्निंग देखेंगे। देखो तो अब इसको जब तुम करोगे ना, तो ये तुम्हारा देखो इथेनॉल होता है C2H5OH। इसको जैसे ही तुम उसमें माचिस की तीली यानी आग लगाओगे, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा, आपको देगा CO2H2O, हीट एंड लाइट। तो आप एक चीज याद रखना, जब भी कोई भी चीज बर्न होती है और बर्न होके आपको CO2 के साथ साथ H2O भी देती है, H2O भी देती है, तो उसमें हमेशा फ्लेम प्रोड्यूस होता है। उसमें हमेशा क्या प्रोड्यूस होते हैं? फ्लेम। तो यहाँ पे आपको फ्लेम मिलेंगे, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। As the reactant is getting vaporized, vaporized भाप बन के उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से फ्लेम मिलेगी। कोयले में कोई वेपराइजेशन नहीं है, H2O निकल रहा है, भाप तो H2O की निकलेगी ना, तो H2O रिलीज ही नहीं हो रहा है। जब H2O रिलीज नहीं हो रहा तो उसका फ्लेम नहीं निकलेगा, और जिसमें से भी CO2 के साथ साथ H2O निकलता है उसमें समझ लेना आपको फ्लेम मिलेगी, क्योंकि वेपराइजेशन में H2O बाहर निकल रहा है, उसी H2O के बाहर निकलने की वजह से फ्लेम पैदा होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर हम हीट की बात करें, तो हमें सबसे ज्यादा हीट तो फिलहाल CH4 में मिल रही है, ठीक है। चलो तो जब आप समझो, जब कभी भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, मतलब एल्केन्स को जलाओगे, तो वो आपको क्लीन फ्लेम देगा। जब कभी भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाओगे वो आपको क्लीन फ्लेम देगा, ठीक है। लेकिन जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाओगे, जैसे एल्कीन और एल्काइन को जलाओगे, तो वो आपको एक येलो फ्लेम देगा। कैसी फ्लेम देगा? येलो फ्लेम देगा और बहुत सारा ब्लैक स्मोक देगा, ठीक है, बहुत सारा ब्लैक स्मोक देगा। सैचुरेटेड कार्बन में जनरली जो फ्लेम होती है ना, उसकी जो फ्लेम निकलती है वो नीली कलर की होती है, जैसे आपके चूल्हे की फ्लेम है ना, नीली होती है वो। ब्यूटेन गैस है वो, आपके घर में ब्यूटेन आ रही है, ब्यूटेन बोले तो एल्केन, एल्केन बोले तो सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन की फ्लेम ब्लू होती है और कोई धुआं नहीं आता, इसीलिए कहते हैं क्लीन फ्लेम। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कोहल हो गया तुम्हारा, ठीक है, एल्कीन एल्काइन हो गए, जैसे मोमबत्ती वगैरह, ठीक है, इन सब की फ्लेम येलो कलर की होती है और खूब सारा इसमें से स्मोक निकलता है। दिया जलाते हो, दिया जलाने के बाद आई कैन शो यू, जो यहाँ भी ऑफलाइन में बैठे हैं उनको दिखा सकता हूँ कि कितना स्मोक निकलता है एक दिया जलाने मात्र से। फिर आप लोगों के दिमाग में ना एक सवाल उठ रहा होगा, सर कई बार तो हमारे चूल्हे में भी जो है गैस, गैस बर्नर में, ठीक है, गैस बर्नर में जो है सर वो पीली पीली कलर की फ्लेम निकलने लगती है, मम्मी ने कुछ चीज चढ़ाई थी, कढ़ाई काली पड़ जाती है, sometimes कभी कढ़ाई काली पड़ जाती है, ठीक है, या कुछ और कोई चीज काली पड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? आप तो कहते हो क्लीन फ्लेम है, कोई डिपॉजिट नहीं। वो ऐसा होता है कि वो बर्नर के छेद भर जाते हैं। जब बर्नर के छेद भर जाते हैं, आपने बर्नर देखा होगा, बर्नर की जो कटोरियां होती है ना, उनमें देखे छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छोटे छोटे छेदों से क्या बोलते हैं, गैस निकलती है, वो आके ऑक्सीजन के क्या बोलते हैं, उसमें बर्न होती है। अब जब छेद भर जाते हैं ना, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए वो जब लिमिटेड एयर में जलते हैं तो येलो कलर के फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है वहां पे कालिक पैदा करते हैं, सूटी, जो सूट है ब्लैक कलर का सूट,
ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आपका बर्तन काला पड़ जाता है, येलो कलर की आपको फ्लेम्स नजर आती है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग, ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूँ। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जो गैस और कैरोसिन का स्टोव होता है जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके उसमें इनलेट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिनसे एयर जाती है अंदर और सफिशियंट अमाउंट में एयर जाती है ताकि वो मिक्सचर जो है बर्न हो, ठीक है, और आपको क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। क्या करता है? क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। लेकिन फिर कभी कभी आप देखते हो कि आपके बर्तन के जो जो मतलब वेसल्स हैं, कुकिंग वेसल्स हैं, उनके ना नीचे काला काला पड़ने लग गया। इसका मतलब ये है कि जो होल्स हैं उस बर्नर के, जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उनको साफ करना है, ठीक है, उन छेदों को साफ करना है, सुई वगैरह डाल डाल के साफ कर देना है, ठीक है, ऐसी साफ हो जाएगी। फिर जैसे आपके कोल और पेट्रोलियम है, इनके अंदर कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है और इनका जो कंबशन है जब आप इन्हें जलाते हो तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, मतलब इनकी ऑक्साइड्स मिलती हैं सल्फर नाइट्रोजन की, जो कि हमारे एनवायरमेंट में मेजर पॉल्यूटेंट का काम करती है। और जब इन गैसेस के साथ, हार्मफुल गैसेस के साथ जब पानी का रिएक्शन होता है, ठीक है, पानी का रिएक्शन होता है तो फिर वो एसिड रेन बनकर नीचे गिरती है। तो सल्फर की ऑक्साइड और पानी मिले तो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे गिरेगा, ठीक है, नाइट्रोजन और अगर क्या बोलते हैं पानी का मिक्सचर बनके नीचे गिरा तो नाइट्रिक एसिड, बट लो पीएच के, लो मतलब लो नहीं, हाई पीएच के, हाई पीएच समझ लो कम खतरनाक बात, लेकिन खतरनाक तो होते हैं थोड़ा बहुत स्किन इरिटेशन वगैरह, ताजमहल को पीला पीला सभी ने किया हुआ है, ठीक है। चलो, तो कुछ येलो बॉक्स में ना आपको कुछ टॉपिक्स होंगे तो वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, आप पढ़ लेना आपके घर पे जब भी देखोगे तो। व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, कि सब्सटेंस विद और विदाउट फ्लेम क्यों जलते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप कोयले को जलाते हो, जब वुड को जलाते हो, तो क्या वो दोनों सेम तरीके से जलते हैं? नहीं, उनमें डिफरेंस, ठीक है। If not the next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts to burn. अगली बार जरूर देखना जब भी चले तो। You have seen above that a candle or the LPG in the gas stove burns with a flame. Candle या LPG जो है वो flame के साथ चलती है। However, you will observe the coal or charcoal in an अंगीठी, अंगीठी जिसमें जलाया जाता है, तो अंगीठी को जो है, अंगीठी में coal और charcoal जो है वो हमेशा रेड ग्लो करता है, वो हमेशा रेड ग्लो करता है, हीट देता है पर कोई फ्लेम नहीं देता है। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो कह रहा है कि फ्लेम जब ही मिलेगी जब कोई गैसियस सब्सटेंस सब्सटेंस बर्न होगा, कोई गैस वाला पार्टिकल बर्न होगा। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइजेस एंड बर्न विद अ फ्लेम इन द बिगनिंग। तो कह रहा है जब वुड या चारकोल को तुम इग्नाइट करते हो, गर्म करते हो, ठीक है, तो क्या होता है उसमें से जितना भी वोलाटाइल सब्सटेंस है, आग पकड़ने वाली चीज होती है, वो थोड़ा सा वेपराइज होती है और क्या बोलते हैं फिर हल्की सी फ्लेम निकलती है उसमें से। स्टार्टिंग में कोयला भी जब आप जलाओगे तो हल्की सी फ्लेम निकलती है, देखा होगा जब कोयला जलाते हैं तो हल्की सी फ्लेम निकलती है, हल्की सी उड़ती है, तो वो इस वजह से हल्की सी फ्लेम कोयले को स्टार्टिंग में जलाने से निकलती है। कोयले में कहीं ऐसी कोई चीज रह गई है जिसमें से लिक्विड निकल सकता है, वेपर्स रिलीज हो सकती हैं, ठीक है, वो वेपर ही जल रहे होते हैं, ठीक है, जब वो अपराइज करता है, मोस्टली नहीं करता। अ ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। कह रहा है कि आपको एक चमकती हुई फ्लेम नजर आएगी कब, जब गैसियस सब्सटेंस के एटम जलते हैं और वो ग्लो करने लगते हैं। द कलर प्रोड्यूस बाई ईच एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। जब भी अलग अलग एलिमेंट जलेगा तो वो अलग अलग कलर की फ्लेम देगा, ये उसकी खूबी है, ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कह रहा है कि आप
एक कॉपर वायर को क्या बोलते हैं, स्टोव की मदद से कभी जलाने की कोशिश करना, उसका कलर देखना। आपने ये भी देखा अभी तक पढ़ा कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है वो क्या देता है, सूट, कालिक, कालिक बोलते हैं वो छोटे छोटे से ना कालिक, जैसे अगरबत्ती वगैरह जलाते होंगे मंदिर वगैरह में, जब हम जोत चलाते हैं तो मंदिर की कभी ऊपर की सरफेस देखो पूरी काली डिपॉजिट, काली काली सी कुछ पाउडर, काला काला पाउडर सा डिपॉजिट हो गया, उसको अपन सूट कहते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन आपको क्या देता है बेटा, सूट देता है, SOOT, SUIT पहनने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें यहां से एक चीज पता चलती है कि इनकम्प्लीट कंबशन हमें देता है सूट, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स सूट। और सूट कुछ नहीं, कार्बन ही है, विच इज कार्बन। फिर कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के बारे में अगले बॉक्स में दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये समझ लो, जो भी चीजें जलने पे वेपराइज होती हैं, H2O निकलता है उसमें से फ्लेम निकलती है, कुल मिलाकर ये है। ठीक है, इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने फिर भी उतना क्लियर नहीं किया। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो कोल और पेट्रोलियम जो है वो बायोमास है, विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब जब कभी जानवर, इंसान और लिविंग चीजें मरी, मर के वो जमीन के अंदर दब गई, फिर और ज्यादा मिट्टी आई ऊपर से, दबती गई दबती गई दबती गई। ठीक है, फिर वो अंदर बिल्कुल जमीन के अंदर चली गई, तो जब उनके ऊपर हीट और प्रोसेस, हीट और प्रेशर लगा उन मरी हुई लिविंग चीजों के ऊपर, ठीक है, जो मर गई, जो लिविंग थी पहले, जो मर गई और जमीन में दफन हो चुकी है बहुत गहरे में, जब उन पे हीट और प्रेशर लगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि ना वो किसमें कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में। किसमें कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में, जिसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, फॉसिल्स में चेंज हो गए। ठीक है, वो फॉसिल्स में चेंज हो गए और उन फॉसिल की वजह से जो फ्यूल मिला फॉसिल फ्यूल। तो कोल इज द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियन ऑफ इयर्स अगो। कोल क्या है, कोल कुछ नहीं है, वो ट्री, फर्न्स और अदर प्लांट्स का क्या है, रिमेनिंग, जो बहुत साल पहले प्लांट रहे थे इस अर्थ के ऊपर, वो जमीन में गड़ चुके हैं मरने के बाद। ठीक है, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हीट और प्रेशर की वजह से, अर्थ में नीचे हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। कैसे हुए, तो दीज वर क्रश्ड इनटू द अर्थ परहैप्स बाय अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस। अर्थ में क्रश हो गए किसकी वजह से, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। They were pressed down by layers of earth and rock. फिर उन्हें अर्थ, मिट्टी और पत्थरों ने दबा दिया, बहुत गहरे में दबा दिया। They slowly decayed into coal और finally वो सड़के किसमें बदल गई, कोयले में। Oil और gases क्या है, oil और gases उन छोटे plants और animals के remnants हैं। वो oil and gases का समझना, coal किसका था, plants का। ठीक है, किसका था, प्लांट्स का था, रिमेनेंट्स। लेकिन ऑयल एंड गैसेस जो थे वो जो प्लांट और एनिमल समुद्र में रहा करते थे, उनके रिमेनेंट्स, उनके मरने के बाद। समुद्र में रहने वाले जानवर और प्लांट जब मर गए तो लाखों करोड़ों के साल के बाद वो हमें किस फॉर्म में मिले, ऑयल एंड गैसेस की फॉर्म में मिले। ठीक है, तो व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज सैंक इनटू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट। तो जब वो मरे तो क्या हुआ कि उनकी बॉडी जो है वो सी बेड, समुद्र की तली पे पहुंच गई। ठीक है, और क्या हुआ, उसके ऊपर रेत वेता की इकट्ठी हो गई। बैक्टीरिया ने उन डेड पार्ट्स के ऊपर, एनिमल्स के डेड पार्ट्स के ऊपर क्या किया, अटैक किया और फीड वीड करते रहे, फाइनली उनको ऑयल और गैसेस में कन्वर्ट कर दिया हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर की बदौलत। तो मीन वाइल द सिल्ट वॉज स्लोली कंप्रेस्ड इन टू द रॉक, और फिर जो सिल्ट थी वो क्या हुई, धीरे धीरे रॉक में कंप्रेस हो गई।
The oil and gases seeped into the porous part of the rock. फिर जो oil और gas बनी थी वो पत्थरों के छेदों में घुस गई अंदर. ठीक है, जो oil और gases बनी वो पत्थरों के किस में घुस गई, छेदों में. और वहां पे ऐसे ट्रैप हो गई जैसे पानी में स्पॉन्ज में पानी, वहां पे ऐसे ट्रैप हो गई जैसे स्पॉन्ज में पानी. ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है, कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है. फॉसिल क्या है, फॉसिल जो है डेड रिमेन, डेड और डेड पार्ट, मतलब पार्ट्स हैं डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स के. फॉसिल्स क्या है, पार्ट्स हैं डेड एंड डिकेइंग, डिकेड किसके, एनिमल और प्लांट्स के जो लाखों साल पहले मर गए थे और उनसे जो फ्यूल मिला फॉसिल फ्यूल. ठीक है, फिर ये फ्यूल तुम्हारे सऊदी वालों के हाथ लग गया, रशिया वशिया के हाथ लग गया, फिर इनको बेचने लग गया. ठीक है, फिर अब क्या करना है आपको, एक एक्टिविटी 4.5 दी है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्टिंग, अल्कोहल लेना, लेकिन वो वाली नहीं जो घरों में रेडली अवेलेबल है, वो वाली जो क्या बोलते हैं प्योर अल्कोहल, ये जो है घरों में अवेलेबल है वो 6% 5% 16% अवेलेबल है. ठीक है, जो कैंटीन में अवेलेबल है वो 6 5 11 20% अगर मैक्सिमम 22% किसी ने दे दी तो. ठीक है, आपको प्योर इथेनॉल लाना 100% इथेनॉल, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना और उसको गर्म करना है. गर्म ऐसे मत करना कि क्या बोलते हैं आपने नीचे से आग लगानी शुरू कर दी, नहीं, वाटर बाथ देना है. वाटर बाथ कैसे देना है कि भैया पानी खोला लो किसी में पानी खोला लो और पानी खूब बढ़िया करके पानी खोला लो और बीकर को या टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपने अल्कोहल ले रखी हो उस पानी के अंदर डुबो दो. अल्कोहल मिक्स मत कर देना, उसको डुबो देना. ठीक है, बायोलॉजी इसे कहते हैं वाटर बाथ, बायोलॉजी में भी आपने किया था ये फर्स्ट चैप्टर में. तो ऐड अ 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट. अब 5% सॉल्यूशन लेना है पोटेशियम परमैंगनेट का. ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको इस अल्कोहल में डालना. ठीक है, तो डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली. कह रहा है कि क्या पोटेशियम परमैंगनेट का इनिशियल जब ड्रॉप बाय ड्रॉप आप वो डाल रहे थे अल्कोहल में डाल रहे थे तो क्या उसका कलर मेंटेन था, इनिशियली तो था धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे आप ड्रॉप बढ़ाते गए वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता गया. व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड. फिर कह रहा है कि क्या बोलते हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड. बहुत सारा जब ऐड कर दिया तो भी इसका कलर डिसअपीयर नहीं हुआ, क्यों? तो आइए जानते हैं. तो यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर, आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन. कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना वो कंबशन पे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. जब आप उनको जलाते हो तो ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेते हैं, इन मतलब उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. तो इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. और ऑक्सीडेशन करके ही हम क्या करते हैं, अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन. ठीक है, ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन समझिए आप, एक मिनट गंदा सा लिखा हुआ था. कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन. ठीक है,
तो जो मैंने अभी आपको समझाया उसको रिएक्शन फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, उसको रिएक्शन फॉर्म में देखते हैं, तब आपको चीजें कुछ क्लियर होंगी। तो मैंने क्या किया, CH3CH2OH, ठीक है, इथेनॉल होता है क्योंकि दो कार्बन है, लास्ट में OH है, और ठीक है, मैंने समझा तो दिया ही था कि इसको जब वाटर बाथ देख के इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या डालते थे, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, और फिर थोड़ा सा हीट करते थे, हीट तो भाई वाटर बाथ देखी की गई है, तो अल्कलाइन के एम एन ओ फोर प्लस हीट, और अगर आपको ये ना मिले तो आप ले आना एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट, पर आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिलना आसान है, ठीक है, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट बजाय की पोटेशियम डाइक्रोमेट के। और उसके बाद ठीक है, अब थोड़ी देर जब ये चीज करते रहोगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, और ये हमारा, इसे दो नाम से जाना जाता है, इथाइल एल्कोहल कह लो या फिर इथेनॉल कह लो, ठीक है, या फिर इसे इथेनॉल कह लो, लास्ट में OH लगा है और दो कार्बन इथेनॉल, OH ऑल और क्या बोलते हैं, दो कार्बन इथ, तो इथेनॉल, ठीक है, और COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, तो अगर मैं इसको नाम देना चाहूं ना तो देखो दो कार्बन है तो इथ, और क्योंकि COOH लगा तो ओइक, तो इथनोइक, नोइक एसिड भी नाम होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है, पर इथनोइक एसिड जो है, तो आपने क्या देखा, जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो जनरली होता क्या है कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटिक एसिड में, तो ये रिएक्शन जो है आपको डिपिक्ट करता है कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि गिव अ रिएक्शन इन विच एल्कोहल गेट्स चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपकी रिएक्शन लिख के आ जाना, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव एग्जांपल, द लिखा है, ठीक है, ये टीएच ही था, इन द अबव एग्जांपल, अब एक चीज समझो बेटा, यहाँ पे ना कुछ घर जाके आप भूल जाओगे, तो के एम एन ओ फोर इसको पढ़ते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और अगर मैं बात करूं K2Cr2O7 तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये चीज, चलो देखो दोनों करते क्या है, दोनों देखो, पहले तो KMnO4 को अल्कलाइन फॉर्म में लिया जाता है और K2Cr2O7 को एसिडिफाइड फॉर्म में,
दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने, ठीक है, और लगा हुआ है। ये करते क्या है, ये ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को किसमें, एसिड्स में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को एसिड में, यानी कि ये ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग मटेरियल में। स्टार्टिंग मटेरियल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। तो देखो ना यहाँ पे, देखो बेटा लेफ्ट साइड में अगर हम देखें रिएक्शन के लेफ्ट साइड में, तो एक है, एक ऑक्सीजन, राइट साइड में दो हो गए, यानी इसने क्या किया, स्टार्टिंग मटेरियल में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो लिखेंगे एड्स, एड्स, एड्स नहीं, एड लिख दो, क्योंकि दो है ना। ये करते क्या है, एड ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, मटेरियल हेंस दे आर नोन एज, दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और क्यों, क्योंकि अपना ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग मटेरियल में, और कौन से दो हैं, तो KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। चलो अब हमारा जो अगला रिएक्शन है बेटा वो है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, वो समझ लेते हैं हम, आप ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन ऐड करके, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन ऐड करके हम उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बाय एडिंग अ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो इसमें एडिशन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो देखो मान लो मेरे पास कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, जैसे मान लो ये, अब क्योंकि डबल बॉन्ड है तो आप पहले ही समझ गए हो कि ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड की निशानी। और फिर क्या करते हैं, देखो इस तरीके से, और ना ये डायरेक्टली नहीं होता, ये डायरेक्टली नहीं होता, अब इसमें ना कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, मैं आगे आपको समझा दूंगा। यहां पे जो कैटलिस्ट लिए गए हैं वो या तो निकल हो सकता है या पैलेडियम हो सकता है। निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, ठीक है, की मदद से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, निकल कैटलिस्ट की मदद से क्या करते हो, उसमें हाइड्रोजन ऐड कराने की कोशिश करते हो, और जब आपको नई चीज मिलती है, देखो क्या मिलती है, कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको नई चीज, ये हाइड्रोजन पहले से ही था, यहाँ भी हाइड्रोजन पहले से ही था, ठीक है, ये रिएजेंट्स लगे हुए हमारे। अब देखो ये डबल बॉन्ड टूट के किसमें रह गया, सिंगल बॉन्ड में, यानी अनसैचुरेटेड किसमें चेंज हो गया, सैचुरेटेड में चेंज हो गया, ठीक है।
तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो निकल है ना, निकल या पैलेडियम दोनों ही मेटल होते हैं और दोनों ही महंगे हैं, स्पेशली पैलेडियम बहुत महंगा है। तो क्या होता है ना, ये जो कैटलिस्ट वैसे होते क्या है, तो आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, फिर भी आप समझ लो, वो सब्सटेंस ठीक है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रेट को बढ़ाता है। मतलब रेट मतलब पैसा बढ़ाना नहीं, स्पीड बढ़ाना, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाए और खुद पार्टिसिपेट ना करे, ऐसे सब्सटेंस को अपन कैटलिस्ट बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो पहले कैटलिस्ट का भी मतलब समझ लेते हैं, समझ लिया मतलब लिख लेते हैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, इस रिएक्शन का ना, एडिशन रिएक्शन का मतलब कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का जो काम है ना, इसका एप्लीकेशन जो है वो यूज होता है वनस्पति घी, वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट करने में। वनस्पति घी यानी वेजिटेबल घी को, ठीक है, वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि उनकी लाइफ बढ़ सके। जो वेजिटेबल घी होते हैं ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते, इसलिए उनको क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजनेशन यानी उनमें एक हाइड्रोजन ऐड करा के, एक या दो जितने भी हाइड्रोजन ऐड करा के क्या करते हैं, उनको सैचुरेटेड कार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं हो सकते, तो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, इसीलिए आपका घी जल्दी खराब हो जाता है, रिफाइंड वगैरह बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है, ठीक है, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो देखो, तो तुमसे पूछ सकता है, हाँ, तो ये जो रिएक्शन आप ऊपर देख रहे हैं ना बेटा, ये वाला, ठीक है, इस रिएक्शन का यूज होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो निकल कैटलिस्ट यूज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या है, तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया भी था कि जब हम क्या करते हैं, वेजिटेबल घी को, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेजिटेबल ऑयल्स को, पिछले टाइम मैंने गलत बोल दिया, जब हम वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो मैं लिख देता हूँ ना आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का मतलब है, मैं एक बार दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, मुझे ना उस टाइम पे दिमाग से नहीं, कुछ मुझसे गलत निकला हो, निकल गया, ठीक है, तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एडिट वेडिट मैं वीडियोज को करता नहीं हूँ। तो अब यहाँ ध्यान से देख लेना, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का मतलब होता है जब आप निकल कैटलिस्ट को यूज करके, ठीक है, निकल कैटलिस्ट को यूज करके वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में, यानी लिक्विड को, लिक्विड ऑयल को सॉलिड घी में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे डालडा आता था पहले, ठीक है, जैसे डालडा आता था पहले, डालडा वगैरह आता था, आपने सुना होगा ना, वो डालडा ऐसा आता था ना, वो क्या बोलते हैं, एकदम मोटे, एकदम थिक सा वो आता था, उसको पिघला देते थे। अगर कई लोगों ने डालडा कभी सुना होगा, नहीं सुना तो आप डालडा की गूगल सर्च करना, मम्मी पापा से पूछना था कि डालडा क्या था, ठीक है, डालडा जैसे तुम्हारे पास अभी रिफाइंड आता है ना, वैसे डालडा आया करता था, उसमें पूड़ियां वूड़ियां बनाई जाती थी, ठीक है, तो वो लिक्विड में नहीं होता था, वो घी के जैसा दिखता था, सॉलिड टाइप का होता था, ठीक है, जम जाता था, गर्मियों के मौसम में भी वो जमा हुआ ही होता। तो कुछ ही नीचे पॉइंट्स लिखे ना मैंने, स्टार मार्क करके रखे हुए बेटा, ये आप एक बार जब गो थ्रू करोगे ना, तो सबसे पहला ही स्टार कहता है कि वेजिटेबल फैट्स यानी वेजिटेबल घी, ठीक है, आर सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। तो अब आप कहोगे सर ये हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल करने वाला पागल था क्या जिसने, और फिर नेक्स्ट लाइन भी पढ़ो, वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर हेल्थ एंड मस्ट बी चूजन फॉर कुकिंग। जैसा वो पहले था ना,
वेजिटेबल ऑयल था पहले, लेकिन हमने हाइड्रोजनीशन करके क्या किया, उसका वेजिटेबल घी कर दिया, अब वो हार्मफुल हो गया। और वेजिटेबल ऑयल पहले से, पहले वाला अच्छा था, अब दूसरा वाला खराब। तो ये फैक्ट्री वाले पागल हो गए क्या? आप तो, आपके दिमाग में ये आता हो क्यों किया, जब पहले वाला ज्यादा हेल्दी था, लिक्विड फॉर्म में हेल्दी था, तो घी क्यों बनाया? रीजन बीइंग हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल ऑयल किया जाता है ताकि उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सके, लाइफ बढ़ाई जा सके, सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जा सके, ठीक है, ताकि कम से कम खर्चा आए इसको बनाने में, ठीक है। तो दिस इज डन लिख देता हूँ नीचे, इसीलिए मैंने तब लिखा नहीं था, दिस इज डन टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ, मतलब उसकी लाइफ को टिकने की जिंदगी होती है, ठीक है। खाने वाले मटेरियल्स को सेल्फ लाइफ को सेल्फ लाइफ बोलते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए, एंड टू डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज थोड़ी करेगा, एंड टू, ठीक है, एंड टू डिक्रीज, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री वालों ने अपने भले के लिए किया, तुम्हारे भले के लिए नहीं किया। लास्ट का पॉइंट क्या लिखा है, एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो एनिमल फैट्स होते हैं, जानवरों से मिलने वाले फैट्स होते हैं, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। बाकी गाँव में कहा जाता है और एक्चुअल में भी ऐसा है, घी भी खाया करो पर लिमिटेड क्वांटिटी में खाया, ठीक है, समझ में आ गई बात। बाकी आपको कुकिंग के लिए जो ऑयल चूज करना है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, वैसा वाला। अब आप कहोगे सर हमें थोड़ी पता है कि इसका हाइड्रोजनेशन किया है कि नहीं किया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे गांव से तुम्हारे पापा लोग जो सरसों का तेल निकलवा के लाते हैं ना, इज गुड फॉर कुकिंग, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई लोचा नहीं किया गया, कोई झमेला नहीं किया गया, एज इट इज आपने नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम कर लिया, गुड फॉर हेल्थ। लेकिन आप वहां किसी ब्रांडेड ऑयल लेके आ रहे हो, हैं फलानी ब्रांड है, उसकी नाम नहीं लूंगा ना, केस टोक देंगे, ठीक है, तो किसी भी ब्रांड का खरीद के लाते हो कि फलानी कोलू ब्रांड है ना, फलानी कोलू ब्रांड है ना, तो ऐसे करके आप जो ऑयल्स लेके आते हो ना, उनका पहले से ही, बेटा तुम, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, कभी ना गांव में जाना, सरसों का रेट पता करके आना, 60 रुपए किलो, ठीक है, 60 रुपीज, यहाँ पे कैलकुलेशन है छोटी सी, 60 रुपीज केजी है, पर केजी, ठीक है, 3 किलो सरसों चाहिए होती है तब 1 केजी तेल निकलता है, यानी 180 रुपए लग गए 1 किलो तेल निकालने में प्योर सरसों का तेल। और अभी बाजार में जाओगे 104-120 रुपए किलो मिल रहा है सरसों का तेल, तो क्या इनके पास कोई जादू है फैक्ट्री वाला जो 104-120 का बेच रहा है? कुछ नहीं कर रहा, ये हाइड्रोजनेशन कर करके बेच रहा है और कहता है शुद्ध नेचुरल, कोई शुद्ध नेचुरल नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई, शुद्ध नेचुरल वो है तुम्हारे दादाजी दादी जी और नाना नानी खा रहे हैं गाँव में बैठ के, हाँ सब जंक मिल रहा है एकदम, यही तुम रिफाइंड तो जहर है, ठीक है, अब क्या करें, हमारी सबकी मजबूरी है, पूड़ियाँ सबको पसंद है, कचौड़ियाँ सबको पसंद है, बनानी भी तलनी भी है ना, तो अवॉइड करो आप जहां तक पॉसिबल हो सकता है भैया, वो सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करो कुकिंग में, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ। ये जो रिफाइंड आते हैं ना, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ एज दे आर सैचुरेटेड, ने सैचुरेट कर दिया गया हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल करके, कैसे, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो वेजिटेबल घी बन गया, अब उसकी जिंदगी बड़ी रहेगी, फैक्ट्री वाले की कॉस्ट कट जाएगी, बस तुम्हारी जिंदगी कट गई, अथवा जेब से पैसा कट गया, ठीक है, तो ये होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको, इतने टॉपिक तक क्लियर है आप सभी को। एक तो ये भी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इनकी एक बड़ी बुरी बात है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो तुम्हारी बॉडी में एक बार घुस गए ना ये, तो किसी के बस की बात नहीं है इनको जल्दी से क्या करे,
रिएक्ट करके ब्रेक कर देंगे, यानी इनको गलाना पचाना बड़े मुश्किल की बात है। इसीलिए कहा जाता है तला भुना मत खाया करो, ठीक है। मोस्टली सब रिफाइंड में तला भुना, और रिफाइंड जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और वो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी, ब्रेक नहीं करेगी, जमा हो जाएगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं फेयरली अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव ही होते हैं, और ज्यादातर रिएक्टेंट्स के साथ जो है ना, ये क्या होते हैं रिएजेंट्स का मतलब रिएक्टेंट वाली साइड पे जो चीजें प्रेजेंट होती है ना, जैसे प्रोडक्ट साइड पे जो चीजें प्रेजेंट होती है उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं ना, वैसे रिएक्टेंट साइड पे जो चीजें प्रेजेंट होती है रिएजेंट्स भी कहते हैं। तो ज्यादातर रिएजेंट्स के साथ ही रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। क्लोरीन क्या करता है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और खुद को वहां पे प्लेस कर लेता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि इस रिएक्शन में जो है ना आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होता जा रहा है, सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है, किससे, क्लोरीन से। तो इसीलिए से क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझो कैसे एक रिएक्शन, यही है अनोखा। तो जैसे तुम्हारा ये देखो बेटा रिएक्शन समझो, एग्जाम्पल इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इमेज। CH4 था, Cl2 के साथ रिएक्ट किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये चेंज होगा देखो CH3Cl प्लस HCl में, ठीक। फिर अब जो तुम्हें ये CH3Cl मिला है ना, CH3Cl इसको फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करा दो सनलाइट की प्रेजेंस में, एक मिनट, अब इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो फिर एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को धक्का मार देगा, तो अब ये देखो क्या बन जाएगा बेटा, CH2Cl2 plus HCl, फिर CH2Cl2 को उठा के ले आओ, फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, सनलाइट होनी जरूरी है। तो अब ये तुम्हारा बन जाएगा बेटा CHCl3 plus S, फिर इसको उठा के लाओ लास्ट वाले को CHCl3, फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करा दो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर याद आ रहा हो तो ना क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपने देखा यहाँ पे कि क्या किया, क्लोरीन ने वन बाई वन करके क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एक करके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। इस तरीके से आप और एल्केन्स के साथ भी ऐसा कर सकते हो, इथेन के साथ भी कर सकते हो, प्रोपेन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे मस्त देखने को मिलता है, सबसे इजीली ये करता है मीथेन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो CHCl3 बना है ना बेटा, ये वाला, ठीक है, मैं इसको किसी और कलर के ना इंक से ना हाईलाइट करके आगे लेने ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये जो बना है ना आपका, जस्ट अ मिनट, ये वाली चीज, ये जो चीज बनी है ना, ये वाली, अरे शिट मैन, जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। देखो इधर, ये जो चीज बनी है CHCl3, इसे ना क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूँ CHCl3 जो है वो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। So that's all for today's class. Milte hain next class mein. Till then, good night.
टेक केयर, बाय बाय।